हुसैन, मुझे लगता है आप दिखा सकते हैं तस्वीरें, बता दीजिए क्या दिख रही हैं। बिल्कुल अमित, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया टीवी पर इस वक्त दर्शक देख पा रहे हैं। आप ये देखिए, वो फ्लाईओवर है जिस पर तमाम जो प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी है, और ये वो गाड़ी है जिसमें प्रधानमंत्री खुद मौजूद है। आप देखिए तस्वीरों में आपको यहाँ दिखाई देंगे, यहाँ प्रधानमंत्री इस गाड़ी के अंदर बैठे हैं और ये गाड़ी यहाँ खड़ी हुई है, और ये एक फ्लाईओवर है इसके ऊपर। आप देखिए ये फ्लाईओवर है, इसके ऊपर ये गाड़ी खड़ी हुई है। कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं, ये देखिए आप, ये फ्लाईओवर के ऊपर पूरा काफिला रुका हुआ है प्रधानमंत्री का, और उनकी पूरी सिक्योरिटी चारों तरफ फैली हुई है, चारों तरफ निगाह रखी जा रही है, और प्रधानमंत्री इस गाड़ी के अंदर मौजूद है। ये गाड़ी जो आप देख रहे हैं, ये प्रधानमंत्री की खुद की गाड़ी है जिसमें प्रधानमंत्री सवार है। ये हमारे पास इस वक्त इससे जुड़ी कई तस्वीरें हैं। आप देखिए जम्मू वो पंजाब पुलिस की भी टीमें यहां पर हमको नजर आ रही इस फ्लाईओवर पर, लेकिन आगे काफिला यहां से नहीं बढ़ पाया क्योंकि जो प्रदर्शनकारी थे उन्होंने रास्ता आगे से ब्लॉक कर दिया था। ये तब है जब पंजाब के सरकार के जो चीफ सेक्रेटरी हैं और वहां के डीजीपी हैं, उनके तरफ से क्लियरेंस दिया जा चुका था कि रूट बिल्कुल क्लियर है, प्रधानमंत्री का काफिला आगे फिरोजपुर की तरफ जा सकता है। लेकिन यही फ्लाईओवर पर आने के बाद आप देखिए चारों तरफ से जो सुरक्षा की गाड़ियां हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री की गाड़ी को एक तरह से घेर रखा है और प्रधानमंत्री की गाड़ी को यहां पर रोक लिया गया है। ये तमाम तस्वीरें इस वक्त आप इंडिया टीवी पर एक्सक्लूसिव देख पा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से पूरा जो सिक्योरिटी के तमाम लोग हैं वो एक्टिव इसमें दिख रहे हैं इन तस्वीरों में हमें। आप ये इन तस्वीरों को देखिए, इसमें प्रधानमंत्री मौजूद हैं, पंजाब पुलिस के भी हमको यहां पर सुरक्षाकर्मी नजर आ रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त इंडिया टीवी पर आप देख पा रहे हैं। ये वो गाड़ी है जिसमें प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि शायद आगे रास्ता क्लियर होगा। लेकिन जब ये क्लियर हो गया कि आगे रास्ता इस लायक नहीं है कि वहां से आगे बढ़ा जाए, तो उसके बाद फिर ये वो गाड़ी है जिसमें प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं। आप देखिए कि इसमें चारों तरफ से सुरक्षाकर्मियों ने गाड़ी को घेर रखा है क्योंकि आगे जो है प्रदर्शनकारियों ने रास्ता रोक रखा था, और यहीं से प्रधानमंत्री के काफिले को वापस बठिंडा लौटकर जाना पड़ा है। और यही वो खास तस्वीरें हैं जो हमने अपने दर्शकों को दिखाई हैं। यहां से फिर आगे काफिला नहीं बढ़ सका। ये हालात तब हुए जब चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी एसपीजी को क्लियरेंस दे चुके थे कि रूट क्लियर है, प्रधानमंत्री का काफिला फिरोजपुर के लिए जा सकता है, लेकिन यहां से वो काफिला अमित आगे नहीं बढ़ सका। बिल्कुल, जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं एक बार देखिए, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इंडिया टीवी पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, प्रधानमंत्री मोदी का जो ये आप देख रहे हैं कि पूरा काफिला जिसे रोका गया है, जिसमें एसपीजी के जवान बाहर करके उन्होंने पूरा का पूरा सिक्योरिटी को संभाला हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त अपने गाड़ी में बैठे हुए हैं, और सबसे बड़ी बात है कि जो काफिला है आप देखिए फ्लाईओवर पर रोका गया है, तो किस स्ट्रेटेजिकली रोका गया है ताकि कि रास्ता ना रहे कि आप कहीं साइड से निकल सके, तो ये स्ट्रेटेजिकली किया गया है। और सबसे बड़ा सवाल उठता है कि वहां की जो एलआईयू होगी, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट होगी, या फिर जो वहां के पुलिस कर्मी होंगे, या फिर जो तमाम वहां के जो लोकल थाने के जो इंचार्ज होंगे, आखिरकार उन्होंने क्या सिक्योरिटी देखी होगी जब उनको पता था कि प्रधानमंत्री मोदी का यहां से रूट लगा है। पंजाब जैसा सेंसिटिव स्टेट, वहां पर अगर प्रधानमंत्री के काफिले को इस तरह से रोक दिया जाता है तो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार वहां का एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से काम कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जो आरोप लगाया गया बीजेपी के जेपी नड्डा की ओर से, अध्यक्ष की ओर से, कि सीएम चन्नी इस पूरे मामले को सुलझाने के लिए तैयारी नहीं हुए, जब उनको फोन पे कांटेक्ट करने की कोशिश की गई, तो अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिरकार हो क्या रहा है। देखिए सबसे बड़ी बात होती है कि एक सीएम जो होता है वो एक प्रशासनिक संवैधानिक सीट है, उसी तरह से प्रधानमंत्री का भी एक संवैधानिक सीट है। आपकी पार्टियां अलग हो सकती हैं, लेकिन जब आप एक स्टेट के लिए या फिर देश के लिए काम करते हैं तो आप देश के नागरिकों के लिए और देश के लोगों के लिए काम करते हैं, पद होता है आपका, आपकी जो सीट होती है। ऐसे में क्या आप द्वेष रख सकते हैं? हुसैन एक बार फिर से जरा तस्वीरें दिखाइए आपके पास, और कौन कौन सी तस्वीरें आई हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ग्लोबली घूमते हैं, वहां पर भी बहुत तरह के प्रोटेस्ट होते हैं, अमेरिका में भी बहुत प्रोटेस्ट होते हैं, लेकिन आपने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी जब आप गए थे वहां पर G20 में हिस्सा लेने के लिए, क्या वहां पर प्रधानमंत्री मोदी का काफिला रोका गया था? प्रोटेस्ट वहां पर भी होते हैं, लेकिन तो ये शर्म की बात है कि पंजाब जो कि देश का एक स्टेट है वहां पर प्रधानमंत्री मोदी के सुरक्षा में सेंधमारी की गई है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। अमित, अब इन तस्वीरों को आप जरा, जो मैं तस्वीरें आपको दिखाऊंगा, इन तस्वीरों को आप बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के उस ट्वीट से कनेक्ट करके देखिए। जेपी नड्डा सीधे सीधे ये बता रहे हैं कि एक बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है, एक प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी में जो स्टेट हेड है वो कहीं जा रहे हैं, एसपीजी जो उनकी सिक्योरिटी में लगी होती है वो उनके साथ है, एसपीजी को रूट क्लियर होने के बारे में बताया जा चुका है, चीफ सेक्रेटरी स्टेट के बता चुके हैं और डीजीपी बता चुके हैं, उसके बाद
प्रधानमंत्री यहां तक पहुंच गए और इस गाड़ी के अंदर प्रधानमंत्री बैठे हुए। यहां पर प्रधानमंत्री बैठ करके करीब 20 मिनट तक इंतजार कर रहे हैं और अपने सामने वो सब कुछ देख रहे हैं कि इस रूट पर आगे प्रदर्शनकारी है, वो प्रदर्शनकारी जिन्होंने प्रधानमंत्री के इस काफले का रास्ता रोक कर रखा है। और प्रधानमंत्री को जबकि पहले यह बताया जा चुका है कि रूट क्लियर है और आप फिरोजपुर तक जा सकते हैं अपनी रैली के लिए, लेकिन यहां से आगे प्रधानमंत्री नहीं बढ़ पाए और इसी गाड़ी में प्रधानमंत्री बैठकर 20 मिनट तक इंतजार करते रहे। आप ये अंदाजा लगाना बहुत आसान, इसमें कोई बहुत मुश्किल सी बात नहीं है कि देश का जो मुखिया है वो इस तरीके से एक जगह पर खड़ा है, उसे आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा। ये वाकई बहुत दयनीय स्थिति है सुरक्षा के एतबार से भी, और पंजाब सरकार को इस पर वाकई जवाब तो देना ही पड़ेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।